तो हम बात कर रहे हैं आपके साथ पावर पिवट टेबल। जी हाँ, पावर पिवट टेबल। उससे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए, मेरे पास बेसिकली तीन डेटा है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें सेल्स की डिटेल्स है, पर इसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी है। उसी तरह से कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कस्टमर की आईडी है। और यहाँ क्वांटिटी दिया गया है। और इसी तरह से सेल्स है, प्रोडक्ट है, और आपके सामने कस्टमर है। अब मुझे इस ओके दोनों के बीच में लगाने हैं पिवट। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से पिवट लगे या मुझे कस्टमर प्रोडक्ट दोनों के हिसाब से पिवट लगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके ठीक है, तो हम पिवट टेबल में रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। हम पिवट टेबल जब लगाएंगे तो लगाते समय आपका यहाँ देखिए लास्ट में ऑप्शन होता है ऐड टू डेटा मॉडल। हमने इसको क्लिक करके ओके किया और इसको डेटा मॉडल में ऐड कर दिया। फिर उसी तरह से मैं प्रोडक्ट को भी इसी तरह से पिवट लगाऊंगा और डेटा ऐड टू डेटा मॉडल कर दूंगा। लेकिन अभी सेल्स और प्रोडक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कैसे पता चलेगा कि हमें किसके बिहाफ पे उठाना है? जैसे वी लुकअप लगाते हैं तो हमें बताना पड़ता है ना सर। तो यहां हम क्या करते हैं, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे तो यहीं पे आपको दिखेगा रिलेशनशिप। दिख रहा है रिलेशनशिप? इस रिलेशनशिप पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद यहाँ टेबल, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डेटा टेबल। और ये आपका होता है कि डेटा टेबल वन में हमारा सी जो है पी आई डी है, और फिर डेटा टेबल टू के अंदर हमारे पास पी आई डी है। तो दोनों में हमने नेम सेव कर दिए, या रेंज वन रेंज टू भी आ सकता है। ठीक है, देन ओके एंड क्लोज। अब देखिए इन दोनों में हम लगा सकते हैं। तो अब मैं क्या किया कि मैंने यहां क्वांटिटी रखा डेटा टेबल वन की, और फिर हमने नेम रख दिया डेटा टेबल टू की। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के नेम वाइज मुझे क्वांटिटी मिल गया। समझ में आया आपको कि नहीं सर? जी, समझ में आया। मुझे मुझे क्या जानना था, जब रिलेशनशिप क्वांटिटी हम मतलब क्रिएट करते हैं तो यूनिक आईडी होनी चाहिए दोनों उसमें, तो वो नहीं, क्रिएट एक करेगा में क्या यूनिक सेमिनार होना में? चाहिए, दूसरे में नहीं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर में हमारे पास यूनिक आईडी है। एक मिनट दीजिए। हाँ जी, सिकांत जी। चालू रहेगा वो तो 5 साल के लिए ना आपका। हाँ, तो डाउनलोड कीजिए ना ऐप एक्सेल माइस्ट्रो स्टोर में, स्टोर स्टोर योर परचेज कोर्स आएगा देखा हुआ। सॉरी, जी तो दो टेबल पे लगा लिया। लेकिन आपने देखा कि मुझे दोनों टेबल पे जब लगाया तो मुझे दो अलग अलग पिवट लगाने। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं और मेरे पास पिवट के अंदर कैलकुलेशन वगैरह भी करना है। इस केस में मुझे जो है अपना पावर पिवट चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखिए पावर पिवट आइकन यहाँ दिख रहा है, बट हो सकता है आपके सिस्टम में पावर पिवट का आइकन ना दिखे। ओके तो यहाँ हमें जाना होगा फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जब जाएंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन। ऑप्शन में जाते हैं तो दिखेगा आपको एड इंस। ठीक है, ओके
या एक्सेल एडिंस के जगह पे मैं कॉब एडिन सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के सामने अनटिक होगा, पावर पीपर सॉरी पावर पीपर के आगे अनटिक होगा, आप क्लिक करके उसको टिक कर दीजिए। ओके ठीक है देन ओके। जैसे आप ओके करेंगे आपके पास पावर पिवट का ऑप्शन आ जाए। अब आपको क्लिक करना है मैनेज पे ताकि आपका डेटा का जो है चीजें है वो यहां पे खुल के आ जाए। ठीक है जी। अब टेबल वन है, इसके टेबल वन के जगह पे आप कर दीजिए यहाँ पे, तो टेबल टू है ना आपका, मैंने ऐड किया है डाटा मॉडल। अच्छा हमने ऐड नहीं किया, पहले से लग रहा है कि जो हमने पीवट में रिलेशनशिप करते हैं उसको ऐड डाटा मॉडल करते हैं, इसी को ऐड डाटा मॉडल कहा जाता है, तो वो इसी में आता है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। मेरे पास इसमें कोई डेटा नहीं, पहले से डेटा हो तो उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है ओके ओके। अब इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेटा को सेलेक्ट करके ऐड टू डेटा मॉडल आ गया। अब टेबल वन के जगह पे इसको कर दीजिए सेल्स, डबल क्लिक इस पे कीजिएगा, जैसे सीट का नेम चढ़ते हैं करते हैं यहाँ भी कर सकते हैं, सेल्स आ गया। उसके बाद वापस प्रोडक्ट पे उसके वापस प्रोडक्ट पे आइए और सेम सिलेक्ट करके ऐड डेटा मॉडल। ये थोड़ा स्लो चलेगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है ओके। और यहां पे कर दीजिएगा प्रोडक्ट। ठीक है फिर वापस इसको सिलेक्ट कीजिए और आपको डेटा ऐड डेटा टू डेटा। इसका नाम हम कर देते हैं कस्टम। ठीक है ओके। अब हम सेल्स पे, क्योंकि मेरा मेन सेल्स है, सेल्स पे आते हैं। और ये आपका पावर पिवट का होम टैब होगा, इसमें देखिएगा डायग्राम, डायग्राम व्यू पे जाएंगे तो हमें रिलेशनशिप अप्लाई करना है। तो मेन पिवट मेरा क्या है, सेल्स है, मेन जो डेटा है सेल्स है, तो सेल्स को लिया और हम सेल्स से इन दोनों को ए करेंगे, क्या बोलते हैं, लिंक करेंगे, रिलेशनशिप करेंगे। तो हमने इसकी सीआईडी को उठाया, इसके ऊपर होल्ड कर दिया okay. और इसकी पीआईडी उठाया और इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, ये लिंक हो गया आपस में। फिर वापस डायग्राम व्यू में आएंगे। अब मुझे कुछ डेटा कॉल करनी है, जैसे कि क्वांटिटी है तो मुझे इस पे एमआरपी चाहिए हो, एमआरपी किस में, प्रोडक्ट में। तो यहाँ जैसे एक्सेल पे वी लुकअप लगाते हैं ना, ऐसे यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन वी लुकअप नहीं, वी लुकअप के जगह पर हम रिलेटेड फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो कि उस कॉलम को यहाँ एमआरपी के डेटा को कॉल कर देगा इसके प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है इसलिए। तो रिलेटेड रिलेटेड में हमने एमआरपी को सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट एमआरपी और एंटरप्राइज कर दिया। ठीक है और यहां पे हम करते हैं अमाउंट, अमाउंट में हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया और हमने लिखा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी और एंटरप्राइज कर दिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है ओके। उसके बाद कमीशन टोटल जो निकालना है इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना तो मैं चला गया पिवट टेबल पे क्लिक किया, पिवट टेबल पे क्लिक करते ही ये वापस आ जाएगा, पिवट टेबल लगा दे। अब देखिए तीनों का तीनों आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा है सर। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे कस्टमर का नेम यहाँ रखना है, प्रोडक्ट नेम हमको यहाँ रखना है और हमें
सेल्स में टोटल जो अमाउंट है वो यहां पर है, और आप इस पे स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिवट टेबल एनालाइज में हम आते हैं इंसर्ट स्लाइसर्स, और जितने भी आपके यहाँ ऑल करेंगे तो सारे आपको सारे डेटा दिख जाएगा। हमने बोला कि हमें सिटी चाहिए, एंड ओके किया, तो ये देखिए सिटी वाइज हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीन डिफरेंट डिफरेंट पिवट से हम डेटा को रिलेट करके यहाँ पिवट टेबल लगा रहे हैं पावर पिवट टेबल की मदद से। ठीक ओके है सर, क्लियर है? जी। अब यहाँ हम पावर पिवट के वापस मैनेज पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ जी। जरूरी नहीं है कि डेटा जो है वो आपका इसी का हो, डेटा किसी और शीट का भी हो सकता, किसी और लोकेशन का हो सकता है। फ्रॉम डेटाबेस दिख रहा है आपको, फ्रंट एसक्यूएल, फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम अदर सर्विसेज में देख सकते हैं वो डेटा फीड, अदर सोर्स, अदर सोर्स में सारा दिख रहा है आपको जहां से डेटा हम ले सकते हैं। तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी एक्सेल फाइल पे हो, हम किसी और एक्सेल फाइल के भी यूज कर सकते हैं, और उसको पिवट के अंदर कैलकुलेट करके फिर इस पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फीचर्स आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम कल इस पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक ठीक है, तो ये पावर पिवट है टेबल ठीक कीजिए प्रैक्टिस। यहाँ पे पिवट टेबल का टॉपिक होता है खत्म, आप अपने हिसाब से कर लीजिए प्रैक्टिस। फिर कल की क्लास में हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए फिर आगे की ऊपर आप फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। ओके ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है मिलते हैं कल। ओके ठीक है सर। चलिए कल कितने बजे? कल 4 बजे मिल लीजिए, 4 बजे के आसपास। ठीक है मैं 4 बजे मिलता हूँ। ठीक है, ओके। ओके।
Why are you so scared to go viral? Wix users aren't. You're on steady ground with Wix Econ. गाइस पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेरा एडसेंस अकाउंट जो इनवैलिड के लिए एक्टिविटी से डिसेबल हुआ था वो सक्सेसफुली मैंने रीइनेबल कर लिया, अगेन मेरा एडसेंस अकाउंट स्टार्टेड हो गया। और गाइस आपको ये भी पता है एडसेंस अकाउंट अगर इनवैलिड के लिए एक्टिविटी से डिसेबल हो जाता है तो वापस नहीं आता है, लेकिन फिर भी गाइस यहां पे मैंने कुछ चीजें फॉलो करके मैंने अपने एडसेंस अकाउंट को वापस से रीस्टार्ट कर लिया, यानी अगेन मेरा एडसेंस अकाउंट चालू हो गया। तो वो गाइस सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्या मैंने चीजें फॉलो की जो कि यार एडसेंस अकाउंट इनवैलिड के लिए एक्टिविटी से डिसेबल वापस नहीं आता है, लेकिन वो सारी चीजें फॉलो करके मैंने अपने एडसेंस अकाउंट को बैक वापस से स्टार्टेड कर लिया है। तो वो सारी चीजें गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि फ्यूचर में इस वीडियो के आपको कंप्लीट देखना, क्योंकि इन गाइस चलो वीडियो को इनवैलिड के लिए एक्टिविटी से डिसेबल हो जाता है। तो गाइस मैं आपको पूरा डिटेल्स में शुरू से ही बताऊंगा जहां से मैंने स्टार्टेड किया था। सबसे पहले गाइस यहां पे आप देखो 16 सितंबर को मेरे पास में मेल आया कि आपकी जो साइट है वो एड्स के लिए रेडी हो गई है, आपको अप्रूवल मिल गया है। और साइट आपका यूट्यूब चैनल या फिर गाइस आप कोई एप्लीकेशन के ऊपर में यहां पे ऐड रन कर रहे हो तो सबके लिए एडसेंस की पॉलिसी बिल्कुल सेम होती है, ये भी चीज का ध्यान रखना। यहां पे देखो गाइस मेरी साइट रेडी हो गई थी 16 सितंबर को। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास में एक मेल आया 26 सितंबर को। यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ, ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे आपको अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया 28 सितंबर को, जैसे कि आप देख रहे हो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, मैंने 28 सितंबर को वेरिफिकेशन कर लिया था। मैंने वीडियो बना रखा है वो भी चलो मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में गाइस यहां पे मेरे पास में एक मेल आया 29 सितंबर को कि आपको यहां पे अपना पेमेंट डिटेल भी ऐड कर देना है, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो अपना पेमेंट डिटेल ऐड कर दो। अगर आप पाया इनवैलिड ट्रैफिक एक्टिविटी यानी इनवैलिड क्लिक आपका ये पब्लिशर आईडी नहीं होंगे, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद में ये बोल देते हैं देखो यहां पे जो मैंने अभी आपको बताया था एडमो एंड यूट्यूब और आपकी साइट सबके लिए बिल्कुल पॉलिसी सेम होती है, सबके ट्रैफिक एक्टिविटी की जो पॉलिसीज है वो पढ़नी होगी। उसके बाद यहां पे आपको अपील फॉर्म फिल करना है और यहां पे आपको अपील फॉर्म दिया जाता है, जिसके आप देख रहे हो और अपील फॉर्म प्रोसेस। यहां पे मैं इसे ओपन करता हूं, अगर आपके में ये नहीं आता है, यहाँ पे वैसे तो सभी के में आता है अगर किसी का एडसेंस डिसेबल, ये गाइस मैंने यहाँ पे ओपन है तो पब्लिशर कोड आपको दे देते दे, डालना है नीचे करेंगे। यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको अपनी वो ईमेल डालनी है जिस पे आपका की साइट हो या फिर आपका कोई एप्लीकेशन पे करेंगे, और ऐप आईडी आपको यहाँ पे लाके डाल देनी, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद में फिर से बोलता है कि आपका कोई एप्लीकेशन था तो उस पे चला रहे थे, नहीं हमारा एप्लीकेशन नहीं था, या फिर आपका कोई एप्लीकेशन भी है तो दोनों में सेम चीज डालेंगे चूज किया था, यानी यहाँ पे जैसे कि गूगल एडवर्ड से अगर आपने की है तो यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे इनको सही सही हमें बताना है कि हमने अपने साइट पे क्या क्या किया है, ठीक है ना। तो हमने कोई एडवर्ड नहीं चला रखा था तो यहाँ पे हम नो करेंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पे ये बोलता है आपको 5 क्वेश्चन देगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन पॉइंट किया एडसेंस इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी फॉर्म। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन आपसे ये किया यहाँ से कॉपी वहाँ पे हम लिख कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे वहाँ पे हम लेके दे देते आंसर। तो आपको करना क्या है यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ से आपको लाके डाल देना है पहला आंसर, ठीक है ना। ये रहा इनका क्वेश्चन और हमने इसका आंसर दे दिया है कि हम जो यहाँ पे मेरी साइट पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपकी साइट पे कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आता है, तो हमने इसको बोल दिया कि भाई यहाँ पे हमारा जो ट्रैफिक आता है हमारे सोशल मीडिया से आ जाता है, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे हम लेके दे देते हैं कि भाई हमारी साइट पे जा सकते हो, या फिर यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम पे हमने सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल दिए लाके, ठीक है ना, उसका आंसर हमने दे दिया है। अभी गाइस यहाँ पे आपको लास्ट में क्या करना है, ये टर्म एंड कंडीशन है, इन्हें आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है और फाइनली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका जो यहाँ पे अपील फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, इनको चला जाएगा, ठीक है ना। मेरा तो यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट, जैसे कि आपने ये अपील 70 घंटे का और ये सारी जो पॉलिसीज दी गई है इतने आप इन्हें रीड कर सकते हो, इन्हें पढ़ सकते हो। हाँ ठीक है भाई सही है गाइस आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने खुद से तो क्लिक नहीं किया था, यहाँ पे आप देख रहे हो दोबारा से रीस्टार्टेड योर अकाउंट इफेक्टिव इमीडिएटली दोबारा से चालू हो गया, जो अपडेटेड हो गया कि हम इतने बार में आपके साइट एडसेंस अकाउंट वापस क्लिक करते हो, वीडियो को अपील को यहाँ पर मेल कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद में गाइस यहाँ पे मेरे को मेल आया, ये रहा 9 अक्टूबर को, 29 सितंबर को मैंने किया था और उसके बाद में यहाँ पे 9 अक्टूबर को मुझे एक मेल आया, कल आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ, अभी आप देख रहे हो हेलो, यहाँ पे इन्होंने मेरे को रिप्लाई कर दिया, ठीक है ना, थैंक यू फॉर योर क्लियरिफिकेशन योर सिचुएशन। हाँ ठीक है भाई आपने यहाँ पे हमें अपनी सिचुएशन बताई, प्रॉब्लम बताई, क्या
अच्छा चीज़ है। और गाइस यहाँ पे इन्होंने बोला वी हैव रिव्यूड योर अपील, हैव रीइंस्टेट योर अकाउंट। इन्होंने हमारी अपील को यहाँ पर रिव्यू किया जो कि हमने इनको चीज़ें भेजी थी। हाँ वो सारी चीज़ें सही है गाइस। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे आप खुद से ऐड पे क्लिक करते हो, अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड पे क्लिक करते हो, वेरिफिकेशन योर सिचुएशन, हाँ ठीक है भाई, आपने यहाँ पे 30 सितंबर को यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अक्टूबर को हमने इनको चीज़ें भेज दी ताकि इन फ्यूचर हो सकता है कि आपका यहाँ पे बच के जाएगा 29 सितंबर को, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है ना। मेरा पिन बहुत जल्दी आ जाएगा। और एडसेंस की हालत देखो फिलहाल में, जब यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं आ रहा था, पेज व्यू नहीं आ रहा था, तो सारा का सारा यहाँ पे ऐसा मतलब रेड रेड आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गया, क्या ये वही एडसेंस अकाउंट है जो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी से डिसेबल हुआ है? वो भी तो आपको कन्फर्म कराना है ना गाइस। यहाँ पे देखो ये रहा एडसेंस डिसेबल, और इसका पब्लिशर आईडी देखो, ठीक है ना, ये पब्लिशर आईडी देखो अच्छी तरीके से चेक कर लो, ठीक है ना। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको एडसेंस अकाउंट में। ये देखो मेरा एडसेंस अकाउंट अगेन स्टार्टेड हो गया, और इसका मैं पब्लिशर आईडी आपको चेक करा था। यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग पे, मैंने क्लिक किया, और इसका पब्लिशर आईडी देखो गाइस बिल्कुल दोनों का सेम है। तो पक्का कन्फर्म हो गया कि हाँ ये एडसेंस अकाउंट को मैंने वापस से रीस्टार्टेड अगेन मैंने स्टार्ट कर। पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या कर रहे हो तुम?